उल्लासनगर के फॉलोअर्स लाइन पर स्थित शहीद प्रेम रामचंदानी चौक पर शहीद प्रेम रामचंदानी को उनके शहादत पर दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्हें फूल माला पहनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आइए लेते इस बारे में अधिक जानकारी। जय झूलेलाल। आज हम लोग यहाँ पर उल्लासनगर 3 के फॉलोअर्स चौक पर हमारे सिंध के भारत सरकार में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट शहीद प्रेम रामचंदानी के इस उनके वर्षीय शहीदी दिवस पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज उनका यह 58वां शहीदी दिवस है। मैं आज उल्लासनगर वासियों को और यहाँ पर सभी उपस्थित यहाँ पर जो यहाँ हमारे साथ में है, हर साल की तरह हम लोग यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, इस दिन को याद करते हैं, क्योंकि हमारे सिंधी समाज के ये बहुत ही बड़े योद्धा थे और इन्होंने 1965 की पाकिस्तान की लड़ाई में शहीदी प्राप्त की थी। वहाँ से वो बम वर्षा करते हुए वापस आते समय इन्हें गोली लगी थी और ये शहीद हुए थे। आज उल्लासनगर फॉरन लाइन चौक पर यहाँ पर भारतीय सिंधु सभा द्वारा सिंधु सर्कल, हमारे प्रेम गुरनानी सर और बहुत से संस्थाओं ने यहाँ पर मिलकर इस शहीदी दिवस को मनाया है। मैं यही उल्लासनगर के जो हमारे युवा है उनको ये आज के दिन पर संदेश दूंगा कि कैसे उन्होंने, हमारे वरिष्ठों ने अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो उनके संस्कार और उनके जो मार्गदर्शन है और उनका जो कर्तव्य है उनको याद करते हुए आज हम इस देश को आगे ले जाएं, यही हमारा कर्तव्य है। जय हिंद, जय झूलेलाल। आज 26 सितंबर हर साल की किया, इस साल भी हमारे सिंधी समाज के कैप्टन जो कोलाबा में रहते थे वो 1965 की लड़ाई में शहीद हुए थे, उनकी शहादत को याद करते हुए आज के दिन हम यहाँ पर पुतले पे दुकानदारों की तरफ से, कई संस्थाओं की तरफ से हार फूलमाला चढ़ा के भाषुक करके उसको श्रद्धांजलि देते हैं। और मैं चाहता हूँ हर साल ऐसे जास्ती में जास्ती हमारे जो भी हैं देश को प्यार करने वाले इकट्ठा हुए और शहीद को श्रद्धांजलि देवे। ये 1965 की लड़ाई में उन्होंने कुर्बान किया था उनको पाकिस्तान की लड़ाई में। आज भी उनका मकान है कोलाबा में, वहाँ उनके नाम घर के बाहर पुतला भी लगा हुआ है और रोड का नाम है शहीद प्रेम रामचंदानी चौक। जैसे यहाँ पर शहीद प्रेम रामचंदानी चौक है, एक सिंधी दुकानदार भाई है स्थापित शादी पर एसोसिएशन की तरफ से जितने भी भाई खड़े हैं इनका बड़ा सहयोग है और कई संस्थाओं का सहयोग है। मैं चाहता हूँ कि हर साल इसी तरह मेला यहाँ लगना चाहिए, शहीद को श्रद्धांजलि मिलनी चाहिए। कोणार्क अपना शहर अपनी बात।